हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ शहर से। यह शहर वैसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मुझे भी यह शहर बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसा कि कल आपने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हाँ, लखनऊ शहर के हम लोग इंटर हुए थे, आज फिर से हम इसी शहर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आगे आप मेरी जर्नी को कंटिन्यू देखते रहें, उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लखनऊ से हम लोग निकले थे, उसके बाद हमें जाना था अयोध्या। अयोध्या के लिए भी मैंने जैसा कि आपको बताया था, राजस्थान से ये सफ़र ज़्यादातर NH 27 के ऊपर ही हम लोग कवर करते हैं। और लखनऊ से हम लोग निकले हैं बाईपास भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है लखनऊ का। तो बाईपास निकलते हमने देखी है शानदार सी इमारतें, ये इमारतें बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और उसके बाद हमने वापस से इसी NH 27 को कंटिन्यू रखा, जो कि हमें आगे अयोध्या तक अपना सफ़र कवर करने में मदद करेगा। और ज़्यादा एक चीज़ और बताती हूँ, इसका जो NH 27 वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके जो अपने लखनऊ शहर से हमें जैसे कि यहाँ अयोध्या की झलक शहर के अंदर लखनऊ में भी नज़र आने लगी है। यहाँ पे दीवारों पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेंटिंग वगैरह हुई है, श्री राम की बनी हुई है, जानकी जी बने हुए हैं। और यहाँ पे जो भी अपने दीवारों के ऊपर देखेंगे बहुत ज़्यादा कलाकृति हुई है। और अभी तक हम जिसमें चल रहे हैं वो लखनऊ शहर ही है। यहाँ की दीवारों पर भी ये रामायण के कुछ चित्र अंकित किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से ये पूरी रामायण को यहाँ पर दर्शाया गया था दीवारों के ऊपर ही। जैसे हमने देखा ये पेंटिंग सारी हाथों से बनी हुई है और यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हमने सोचा कि यहाँ कहीं रुक के खाना खाया जाए पहले। फिर हम आ गए थे इसी जिस मॉल में हम लास्ट टाइम जब आए थे राजस्थान से, वहाँ पे रुके थे। ये है लखनऊ का क्राउन मॉल, और इसी में इस बार फिर से हमने खाना खाने का सोचा। तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए ऑर्डर खाने का दे करके वेट कर रहे थे खाना बनने का, तब तक हम लोग इस मॉल को देखे जा रहे थे। और इस मॉल में मुझको यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है यहाँ का फ़ैन, ये पंखा बहुत ही बड़ा बना हुआ है और ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा भी लगा। और यहाँ पे नौनी खेलने में लगा हुआ था आराम से, ये खेलते खेलते इसको मिल गई इसकी फेवरेट जगह, जहाँ पे जा कर के बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो थी इसकी ये प्लेइंग वाला पैलेस। और यहाँ पर आके ये अपनी मन मर्जी की खेलने लग गया तरह तरह के खिलौनों से। तो हम लोग यहाँ पे हम दोनों के पास में ना तो कॉइन थे और ना हम लोग इसको भी बाय कर सकते थे, क्योंकि इसकी जो फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ यहीं पे है। तो हम लोगों ने इसको बाय भी नहीं किया दोनों ने। और हम लोग ऐसे खेलने लगे, खेलते खेलते फिर इतने में मैंने देखा ये रोबोट, ये इसको भी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी जो ये टेक्निक थी ये काफ़ी अच्छी थी। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हाँ भी कोई ये होता है ना कि हाँ मूवी में से निकल के जस्ट खड़ा किया हो, बट आजकल रोबोटिक काफ़ी चल रहा है, मेरे को अच्छा लगा। फिर हम दोनों इसको देखते रहे थोड़ी देर, इतने में हमारे पास खोला है कि खाना बन चुका है, तो हम दोनों गए खाना खाने के लिए। लेकिन इसे देखने का मन कर रहा था तो मैं थोड़ी देर और रुकने लगी, वो उधर खेलने लग गया था फिर से। फिर हम लोग इधर खेलते खेलते वापस आए, यहाँ पे 5 मिनट लगेगी खाना देखा जाएगा। फिर हमने खाना खा करके जस्ट निकले दोनों खाना खाने के बाद में, तो बाहर आते ही मेरे को दिखाई दिया हस्की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्की मेरा फेवरेट डॉग है, बट मेरे को चाहिए हस्की विद ब्लू आइज, जिसकी आंखें भी नीली हो। और ये कुत्ता मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और थोड़ी देर इसको देखने के बाद में हम लोग फिर से NH 27 पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगे। और इसी के साथ में हमने निकल गए अयोध्या के लिए। होपफुली आज शाम तक हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ये 3-4 घंटे का ही सफ़र हो रहा है, तो शाम होने से पहले पहले उम्मीद है कि हम लोग अयोध्या में इंटर हो जाएंगे। और वहाँ पे देखते हैं कि हाँ भीड़ वगैरह देख के, यदि भीड़ ज़्यादा नहीं हुई तो फिर हम लोगों का इरादा है धोख मारने का।